वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र जूनागढ़ में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। पुराणों से शुरू होकर हमारे वैदिक साहित्य में ज्योतिष की प्राचीन पुस्तकों में शनि को बहुत ही ज़्यादा कष्ट देने वाला ग्रह माना गया है। यह भी माना गया है कि जिस भाव का राशिस्थ शनि हो, जिस भाव में शनि ग्रह विराजमान हो तथा जिन भावों को शनिदेव देख रहे हो, वे जातक के लिए बहुत ही बुरे होते हैं। व्यक्तियों को इन भावों से संबंधित कठिनाइयाँ या कष्ट प्राप्त होते हैं। लेकिन यथार्थ रूप से देखा जाए तो इन सब बातों का महत्व अन्य ग्रहों के आधार पर भी बहुत होता है, क्योंकि शनि ग्रह के सुप्रभाव से व्यक्ति का जीवन राजा के समान हो सकता है। शनिदेव व्यक्तियों को शीघ्रगामी बनाकर उनके निर्णयों से करोड़ों अरबों के मालिक बनाते हैं। आज भी कई सीईओ है, आज भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, आज भी कई स्पोर्ट्समैन है, आज भी कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने शनि साढ़े साती के दौरान करोड़ों का साम्राज्य, खरबों का साम्राज्य खड़ा किया, दिन प्रतिदिन प्रगति की। क्योंकि शनिदेव हमारे अच्छे कर्मों का तुरंत ही अच्छा फल देते हैं, शीघ्र फलदायी है, इसीलिए तो यह लोग अपनी पीठ पीछे धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, धर्म से संबंध रखते हैं। आपको लग रहा होगा कि यह सारी जानकारी आज मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अब जल्द ही मेष राशि पर भी शनि की साढ़े साती शुरू हो रही है, आपके ऊपर भी शनि साढ़े साती का ग्रहण लगने वाला है। अब अगले साल 2025 में 29 मार्च को जब शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो जाएगा और वह चरण 31 मई 2032 तक रहेगा, यानी कि अगले 7.5 साल तक अब शनि की साढ़े साती से प्रभावित रहेंगे। देखिए, इतिहास गवाह रहा है, शनि की साढ़े साती के प्रभाव में हर किसी को जीवन में एक बार गुजरना ही पड़ता है, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। एक बार प्रत्येक व्यक्ति को शनि का साक्षात्कार अवश्य होता है, क्योंकि साढ़े साती के ही दौरान भगवान श्री राम को वनवास हो गया था। जब रावण पर साढ़े साती आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी थी, रावण के कुल का नाश कर दिया था। जब महाभारत की ओर नजर करें तो वहां पर भी जब द्रौपदी को साढ़े साती आई तो उसकी बुद्धि को भ्रमित कर बुरे वचन कहलवाए और पांडवों को वनवास भोगना पड़ा था। मेष राशि वालों, यह बात सच है कि शनि के साढ़े साती में व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित होता है। घाव, चर्म रोग, वात रोग, कफ जनित पीड़ाएं होती है। मानसिक चिंता व्यक्ति का शरीर ही नहीं छोड़ती है, व्यक्ति महाकामी बन जाता है, वह कटुभाषी बन जाता है, वह राज को उपयुक्त होता है, यानी राज्य या केंद्र उन्हें प्रकोप का सामना उठाना पड़ता है। वह कार्य या व्यापार में हमेशा शत्रुओं से प्रभावित रहता है, पराजित होता है। ऐसी स्थिति में आप में स्वार्थ की भावना उत्पन्न होती है, आप संपत्ति संचित करने के लिए सदैव प्रयासरत रही जाते हैं, आप सुख की खोज में उधर उधर भटकते रहते हैं। यहाँ तक जिनके पास सब कुछ होता है वैसे व्यक्ति भी अशांत रहते हैं, उन्हें शांति कभी नहीं मिलती। मित्रों, शनि के साढ़े साती लगने में अभी 6 महीने बाकी है और शनि के साढ़े साती में आप क्या कर सकते हैं ताकि इन सारी मुश्किलों से बच सके, वह हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन चलिए अब जानते हैं कि शनि के साढ़े साती लगने से पहले के 6 महीने आपके लिए क्या कुछ अच्छा और नए अवसर दिखाने वाले हैं। मित्रों, जब शनि के साढ़े साती का प्रारंभ होगा तो वह सबसे पहले आपके धन के भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में अभी भी आपके पास 6 महीने हैं जहां पर आपको धन योग के लाभ उठाने के अवसर मिलेंगे। ऐसे में जिन लोगों की उम्र 55 साल के ऊपर है वह सफलता प्राप्त करेंगे, विशेषकर उनके लिए यह समय विशेष सुख देने वाला कहा जा सकता है। वह व्यक्ति इस अवधि में कठिनाइयों भरे कष्टों से बाहर निकल जाता है, चाहे वो धन हो, परिवार हो या सामाजिक हो, उनको आकस्मिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। परिवार प्रियजनों के नज़दीक पहुँचते हैं, उन्हें भविष्य का सहारा मिलता है। सेहत के हिसाब से भी यह समय मेष राशि वालों के लिए शुभ होगा। अब आपको मानसिक रूप से परेशानी कम होगी। अगर आपकी नौकरी भी जा चुकी है तो आपको पुनः नौकरी प्राप्त होगी, आपकी कमाई में लगातार वृद्धि होगी और इनका आप अनुभव भी करेंगे।
अगर आपका किसी जगह कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है या पैतृक संपत्ति में विवाद चल रहा है तो वह विवाद का समाधान होता है, आपको इच्छित जगह प्राप्त होती है, आपके खर्चे पर कंट्रोल होता है। यहाँ तक शनिदेव कर्मेश होकर व्यक्ति को धनी और मान सम्मान से प्रतिष्ठित व्यक्ति बना देते हैं। अगर आप किसी बड़ी योजना के तहत कार्य कर रहे हैं तो वह योजना सफल तो होती है, साथ में लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, आमदनी में तेजी से बढ़ोतरी होती है। आपको नौकरी के कारण कई बार यात्राएं भी करनी पड़ती है और वह यात्रा आपको अप्रत्याशित लाभ देती है। चाहे आप छोटे बड़े शहर में हो, अन्य राज्य में हो, यहाँ तक विदेश में कहीं भी किसी भी छोटे से कस्बे या गांव शहर में कार्य कर रहे होते हैं तो ऐसे में शनि आपके द्वारा की गई मेहनत को सफल बनाता है, क्योंकि कर्मेश शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उससे पहले व्यक्ति के कर्म के आधार पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे में मेष राशि वालों को कर्ज से छुटकारा मिलता है। अगर आप राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मदद चाहते हैं तो उनसे मदद मिलती है। आया निर्यात से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिलते हैं। अच्छी और बड़ी डील करने में अब कामयाब रहते हैं। इसके साथ से बड़े पदाधिकारी को भी प्रमोशन मिलने के पूरे चांसेस मिलते हैं, क्योंकि शनि ब्रह्मांड का सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और शनि अपनी परिक्रमा करने में 30 साल लगा देते हैं। ऐसे में 30 साल के बाद यह 6 महीने की अवधि आपके लिए नए अवसर का निर्माण कर रही है। ऐसे में आपकी चल अचल संपत्ति में वृद्धि होती है। अगर आप लोहे से संबंधित, तेल से संबंधित, खनिज तत्वों से संबंधित, शेयर बाजार से संबंधित या फिर पशुपालन से संबंधित कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ऐसे में शनि से प्रभाव से आप ऐसे ऐसे लाभ प्राप्त करते हैं जिनके बारे में आपने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होता है। मेष राशि वालों, ये बात भी सच है कि शनि अपना प्रभाव 3 चरणों में दिखाता है, जो 7.5 के पहले सप्ताह से 7.5 वर्ष तक के समय के लिए होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपके जन्म के समय आपकी कुंडली में शनि की स्थिति आपके भाग्य और दुर्भाग्य का आधार रूप होती है। इसीलिए यदि समय रहते हुए शनि को मना लिया जाए तो शनि आपको पीड़ित नहीं करता और 7.5 में भी आप शनि के प्रभाव से बचे रहते हैं। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करवा के अपनी स्थिति को जान सकते हैं। आप देख रहे थे मेष राशि पर शनि के 7.5 का प्रभाव कैसा रहेगा, इनकी जानकारी। जय गुरुदास, जय गिनानी।